जैसे मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम की जो प्रोसेस है वो 3 या 4 स्टेप की प्रोसेस है। अब हाँ इसमें मैं प्री मेंस इंटरव्यू के टाइप में बात नहीं कर रहा, मैं इसमें बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम किसी भी कंटेंट को पढ़ते हैं तो हाँ हमारे पास एक बहुत सारा डाटा आ जाता है, फिर हाँ हम उस डाटा को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम उसको दिमाग के अंदर रिटेन करते हैं, और हाँ उस रिटेन करने के बाद जब एग्जाम आता है तो हम उसको दिमाग से निकालते हैं। तो हाँ ये एक 4 स्टेज प्रोसेस होती है। तो हाँ मैंने जितने भी कैंडिडेट्स को देखा है तो वो फर्स्ट स्टेप के ऊपर कोशिश करते हैं हाँ कि नोट्स कहाँ से आए, इसका कंटेंट कहाँ से आए, और उस रॉ डाटा को कलेक्ट करते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा रॉ डाटा कलेक्ट करके अपने दिमाग में रख लिया, लेकिन फोकस नहीं करते कि उस रॉ डाटा से ना एक यूजफुल डाटा कैसे निकाला जाए, और हाँ फिर उस यूजफुल डाटा को मेन दिमाग के अंदर रिटेन कैसे किया जाए, और फिर दिमाग के अंदर है तो उसको एग्जाम के अंदर लिखा कैसे जाए। हाँ तो हम जनरली ये ज्यादातर सुनते हैं कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, इसके हाँ पास उसको सब कुछ आता था, लेकिन वो एग्जाम के अंदर नहीं लिख पाया। तो मैं मतलब जो भी मेरे भाई बहन है जो आगे पेपर देने वाले हैं, तो मैं हाँ उनको बताऊंगा कि यदि तैयारी करते समय चारों स्टेप प्रोसेस को एक साथ लेके चले। तो हाँ जैसे कि सबसे पहला आपके पास डाटा मतलब मटेरियल कलेक्ट करना है, हाँ तो उस पे भी उतना ही फोकस देना है जितना लास्ट का मतलब उस आपके दिमाग के अंदर है उसको वापस निकालना है। तो उसके बिल्कुल लिए टेस्ट सीरीज लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लिखेंगे तो हाँ हमें पता चलेगा हमारे दिमाग के अंदर कितना है और हम कॉपी के अंदर लिख कितना पा रहे हैं। जैसे कि एक पेपर है, मैं लिख के आया, मुझे उसकी 5 बातें याद है, लेकिन मैं पेपर में 3 बातें लिख पाया, तो हाँ मुझे पता चलेगा कि मेरे मतलब 2 पॉइंट में भूल कैसे गया। तो अब हाँ मुझे अगली बार आके उस पर वर्क करना है कि वो 2 पॉइंट कैसे भूला था। हाँ और अब कुछ स्टूडेंट को रिटेन करने में दिक्कत आएगी हाँ कि ना वो पढ़ के तो सार आए हैं, लेकिन पेपर के अंदर जाते हैं उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये मैं मतलब भूल कैसे गया, मैं ब्लैंक कैसे हो गया। तो हाँ ब्लैंक आप इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक स्टेप को मिस कर दिया। हाँ तो मैं मतलब चाहूंगा कि जो भी अभी मेरे जो फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं हाँ वो इसको पूरी साइंटिफिक प्रोसेस को समझें कि किस तरीके से मतलब ये स्टडी होती है। ऐसा हाँ ना समझे, आप जैसे कोचिंग का नोट्स आप उठाओ, उसके हाँ बाद उसमें से यूजफुल डाटा निकालो, उसको हाँ अपने दिमाग के हिसाब से उसको नोट्स को वापस बनाओ। ऐसा नहीं कि जो कोचिंग ने नोट्स दे दिए उसी को पढ़ रहे हो, अपने दिमाग की एक थिंकिंग प्रोसेस सबकी अलग होती है, तो हाँ अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। अब फिर उसको रिटेन करने के लिए अलग अलग साइंटिफिक जो टेक्निक्स हैं उनका यूज करो, जैसे निमोनिक्स हैं, या आप हाँ किसी चीज के साथ एसोसिएट करके याद कर सकते हो, या आप मल्टीपल रिविजन के थ्रू याद कर सकते हो, पीरियोडिक रिविजन का भी मेथड चलता है, तो उसके थ्रू याद कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, चिट्स बना सकते हो, वो अलग अलग मेथड्स का यूज करके उसको रिटेन करना है। और फिर आउटपुट करने के लिए सर अलग अलग मेथड है, या तो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू कर सकते हो, या लोगों के साथ डिस्कस कर 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 मतलब जो ग्रुप डिस्कशन से हो सकता है, या हाँ फिर अपने किसी फ्रेंड्स को आप पढ़ा सकते हो, हाँ या मतलब कहीं भी आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, हाँ यदि किसी लेक्चर को देख रहे हो जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी का लेक्चर है, तो हाँ आप पहले से प्रिडिक्ट करो कि ये टीचर बोलने वाला क्या है, हाँ कि जैसे टीचर बोल रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज क्या है, तो आप पहले से प्रिडिक्ट करो कि नैनो टेक्नोलॉजी में क्या यूज होने वाला है। तो हाँ आपको यदि टीचर ने वही बात बोली है तो आप खुद को शाबाशी दे सकते हो कि हाँ ये तो मैंने सोच लिया था कि टीचर यही बोलेगा, हाँ यदि नहीं तो कि सर ने ऐसा क्यों बोला, तो उससे आपकी थिंकिंग प्रोसेस जो दिमाग की है तो वो अच्छी चलेगी। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि इन चारों स्टेप पे पूरा फोकस किया जाएगा तो मतलब आसानी से हो जाएगा, चाहे वो आरएस हो या हाँ कोई भी एग्जाम हो। हाँ जी सर, गौरव जी, यार आपने बहुत ही शानदार मतलब ये तरीके से आज मतलब पूरा चीजों को एक्सप्लेन किया है। यही काम आती है मतलब रियल में, जो एक रियल जो बन चुका है वो ऐसी चीजें बताता है तो एस्पिरेंट उनको जल्दी से पिकअप करता है और अपने काम में लेता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए, और आशा बिल्कुल करते हैं बहुत जल्द आइस के बिल्कुल इंटरव्यू के सर, बाद में आपका एक और इंटरव्यू लेने का मौका मिले। और सभी दर्शकों से आशा करते हैं जी कि सर, गौरव भाई के लिए आप शुभकामना करना, ईश्वर से प्रार्थना करना कि इस बार पहले अटेम्प्ट में आईएएस में भी उनका अच्छी रैंक पे सिलेक्शन हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी गौरव। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।